नवरात्रि का अवसर चल रहा है और ऐसे में आपको सुना है सिद्धि भी प्राप्त हुई है और आप कई ऐसे जगहों पर जाकर माता की चौकी का प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और आज आप अंधेरी में यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि माता रानी की जब इच्छा होती है तो अपने भक्तों की पहले से एक लिस्ट बना के रखती है कि नवरात्रों में कहाँ वहाँ हमने जाना है। तो जब ये हमें भक्त लोग याद करते हैं, जब ये हमें फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो हम उनके कॉल को स्वीकार करते हैं और उसके बाद में ये इनविटेशन हम माता वैष्णो देवी को अपने मंत्रों द्वारा उनको दे देते हैं। जब माता रानी स्वीकार कर लेती है तो हम जो भक्त हमें बुलाते हैं उनको हम लोग फिर कह देते हैं कि आपका जो माता रानी ने जो आपने जो संदेशा दिया है वो स्वीकार किया है, हम इस तारीख को जिस दिन भी आप बोलोगे हम माता रानी माँ वैष्णो रानी को लेकर आपके दरबार में आ जाएंगे। हाँ, कितने साल से ऐसा हो रहा है और आपको जो अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई इसके बारे में क्या कहना है? हम लोगों 30-35 साल हो गए ये प्रोग्राम करते हुए। ये सपने में हम लोग को माता जी ने बोला था कि हमारा गुणगान करो, हमारे भक्तों को जागृत करो, तो हमने अपनी मर्जी से ये प्रोग्राम चालू नहीं किया। माता जी ने हम लोग को सपने में बोला कि आप ये हमारा प्रचार करो, तो हम लोग ये शुरू किया। हम लोग को 35 साल से हम लोग भजन माँ के गुणगान कर रहे हैं, दो लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोग पसंद करते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है, माँ का भी, हमें भी भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, तो सब वो लोग भी खुश, हम भी खुश। तो आप माता जी के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि आप भी भक्ति करो, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, जितना नाम सुमरण करोगे आपका संकट सब टल जाएगा। जो हमारा काम संकट में फंसा हुआ है, भगवान का नाम लेने से वो संकट टल जाता है। मैम, आप क्या कहना चाहूँगी? आप तो एक सेलिब्रिटी हो और आपने कई सारे रोल भी दमदार निभाए और इसलिए लोग आज भी आपको याद करते हैं और लगातार आपको सत्य जी के कॉन्टेक्ट में देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। सतीश जी हमारे भाई हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग में भी, हमारे घर पे भी किया था सतीश जी ने प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और माता जी इनकी सुनती भी हैं, तो इन्होंने काफ़ी चमत्कार करके दिखाए हमको, जो जो बोला था वो सब हुआ है। और बाकी तो माता रानी की इच्छा। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है आगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो और नवरात्रि का अभी समय चल रहा है, एक मतलब उधर महिलाओं को नौ देवी की शक्ति इस वक्त प्राप्त हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो माता रानी को बहुत मानती हूँ और नौ दिन पूरे व्रत भी रखती हूँ मैं, माता रानी मुझ पे कृपा करती है जी। माता की चौकी के लिए जो आपने इनविटेशन सतीश जी को दिया था उन्होंने स्वीकार किया और बकायदा आज यहाँ पर बकायदा माता की चौकी का आयोजन किया। पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ आए, वीना कपूर जी आए, बहुत बहुत मेरा अच्छा लगा आए यहाँ पे। और मतलब जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि मतलब जो सतीश शर्मा जी के मतलब बारे में सिद्धि प्राप्त मतलब, और मेरे भी मतलब काम अच्छे हुए मतलब जब से इनसे मेरी मुलाकात हुई है, और मतलब जब भी मैं इनको बुलाता हूँ तो मतलब हर साल मतलब मेरे यहाँ आते हैं मतलब प्रोग्राम के लिए। जब से सतीश जी से मिले जब से बहुत अच्छा है, हम लोग जब भी याद करते तभी आते हैं और बहुत खुशी मिलती है माता जी से। आज से 30-35 साल हो गए माता जी को बिठाते हैं, 4-5 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं। पता कैसे चला इनके फ्रेंड से पता चला था मेरे हस्बैंड के।